शादी के दो हफ्तों के बाद बीवी मर्द निकली। दुनिया भर में अक्सर ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं जिसको पढ़ने के बाद हर कोई हैरत में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह की एक खबर युगंडा से आई है जहां पर इमाम मस्जिद की शादी के दो हफ्ते के बाद बीवी मर्द निकल आई। गैर मुल्की खबर इदारे खलीज टाइम के मुताबिक युगंडा के शहर क्यूंगा की एक मस्जिद के इमाम की शादी दो हफ्ते कबल हुई। शादी के दो हफ्ते के बाद इमाम मस्जिद ने बीवी को मर्द पाया। खबर इदारे के मुताबिक बीवी नबू केरा के मर्द होने का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब बीवी को इमाम मस्जिद के घर से कपड़े और टीवी चोरी करने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हलीस टाइम्स के मुताबिक हिरासत में लेने के बाद पुलिस को एक खत मिला जिसमें इमाम मस्जिद की बीवी का मर्द होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस के मुताबिक पहले भी नबू केरा को बतौर खातून गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी के वक्त हिजाब और लेडीज सैंडल्स पहन रखे थे। ताहम खातून पुलिस अफसर के जांच पड़ताल करने पर नबू केरा मर्द निकला। पुलिस ने मुतासर इमाम मस्जिद को आगाह किया कि इनकी बीवी मर्द है जिसकी शनाख्त 27 साल रिचर्ड के नाम से हुई, जिसके बाद इमाम मस्जिद को शदीद झटका लगा। मुलजिम ने बताया कि चोरी की गर्ज से इसने इमाम मस्जिद से शादी की थी और खातून का रूप धार कर इसने सबको धोखा दिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने घनौने फेल में मामनत करने वाली रिश्तेदार का भी नाम बताया जिसने शादी मुनक्किद कराने में कलीदी किरदार अदा किया था। पुलिस ने मुलजिम के बयान पर इसकी सहूलतकार आंटी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खातून बनकर इमाम मस्जिद से शादी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अनोखी वारदात का ये मुनफरिद वाकया लोगों की तवज्जो का मरकज है। ताहम लोगों की जानिब से इस अनोखी वारदात पर तंज मजाक भी जारी है।